अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है और ब्रूस्टी का नाना है, लास्ट एक्शन हीरो है वो। एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मझधार फिल्म के गानों को किस प्रसिद्ध जोड़ी ने लिखा था? सलमान खान मझधार फिल्म का सीक्वल आखिर क्यों बनाना चाहते हैं? कौन सी जोड़ी इस फिल्म में दिखाई देने वाली है? हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि भला आज मैं गाना क्यों गुनगुना रही हूँ, तो दोस्तों इस फिल्म के गाने थे ही इतने खास कि एक बार सुन लो तो मुंह पर चढ़ ही जाते हैं। जी हाँ, ये गाना है फिल्म मझधार का, जो सन 1996 में रिलीज की गई थी। हालांकि फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही थी, लेकिन इस फिल्म के गानों को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। जी हाँ, फिल्म के गीत को अलका याग्निक और उदित नारायण ने गाया था, जो बहुत ही अच्छे सिंगर्स हैं। साथ ही इस फिल्म के गानों को नदीम श्रवण की जोड़ी ने कंपोज किया था। नदीम श्रवण बॉलीवुड की काफी फेमस जोड़ी है, जिन्होंने बॉलीवुड के बेहतरीन से बेहतरीन गानों को कंपोज किया है, चाहे फिर वे गाना दिल ने ये कहा है दिल से हो या फिर सोचेंगे तुम्हें प्यार। सॉरी मैं अच्छा नहीं गाती, पर क्या करूं, गाना ही इतना अच्छा है कि एक बार सुनो तो गाने का मन कर जाता है। अगर बात करें इस फिल्म की मेन कास्ट की, तो इस फिल्म में सलमान खान के अलावा राहुल रॉय और मनीषा कोइराला भी थी। वहीं अगर इस फिल्म की मेन लीड हीरोइन मनीषा कोइराला की बात करें, तो वह काफी चहेती अभिनेत्री रही है। इन्होंने दिल से, बॉम्बे क्रिमिनल, खामोशी जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इस फिल्म के लेखक थे सलीम खान, जो कि सलमान खान के पिता हैं, और उन्होंने इस फिल्म में साथ भी काम किया है। बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों की कहानियां भी सलीम खान ने लिखी है, जिनमें से शोले और जंजीर कुछ नाम है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि आने वाले फिल्म के सीक्वल मझधार 2 के अंदर सलमान खान के अलावा बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान भी दिखाई दे सकते हैं। साथ ही हीरोइन के लिए अनुष्का शेट्टी भी फिल्म में हो सकती है। अगर इन तीनों की जोड़ी इस फिल्म में दिखाई दी तो फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर जाएगी। इस फिल्म के जरिए सलमान खान और शाहरुख खान भी कई अरसों बाद साथ दिखाई दे सकते हैं और लोगों की दिली तमन्ना और ख्वाहिश भी इसके साथ ही पूरी हो जाएगी। और अनुष्का शेट्टी तो साउथ की बहुत बड़ी हीरोइन है ही, जिनके लोग दीवाने हैं। अब देखना यह है कि इन तीनों की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है। और हाँ, आपके फेवरेट खान कौन से हैं, सलमान खान या शाहरुख खान, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड टॉलीवुड और हॉलीवुड की बाकी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।